नमस्कार दोस्तों, मैं सूर्य भान आप सबको अपने यूट्यूब चैनल स्किल टेक में स्वागत करता हूँ। मैं आपको आज 28 तारीख का यूपीपी का जो पेपर हुआ उसका आंसर की दे रहा हूँ। अभी मैं मैथ का दे रहा हूँ, उसके बाद अभी रीजनिंग और जीएस दोनों अपलोड कर दूंगा और उसके बाद हिंदी। तो अभी मैं मैथ के लिए यानी कि न्यूमेरिकल एबिलिटी का क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ, आप अपना जो भी सेट है उसमें मिला लीजिए और उसके अनुसार अपना आंसर टिक कर लीजिए। ये जो मैं मैथ का क्वेश्चन का आंसर बता रहा हूँ 100% ये आंसर सही होंगे। तो पहला आपका 39 नंबर से क्वेश्चन देखिए, तो 39 नंबर से क्वेश्चन जो आपका है वो आपका 39 का आंसर जो होगा वो हो जाएगा। मैं क्वेश्चन पहले पढ़ देता हूँ। यक्ष के पास बैंक में खाते में 90.53 का शेष है, 67.14 जमा करने पर और 70.16 की निकासी के बाद शेष राशि क्या होगी? तो आंसर आपका होगा बी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 40, दो संख्याओं का महत्तम स्वयंवर्तक लघुत्तम स्वयंवर्तक क्रमशः 2 और 72 है, बड़ी संख्या छोटी संख्या के दुगने से 2 अधिक है, तो छोटी संख्या ज्ञात करें। तो छोटी संख्या जो आपका आंसर होगा 40 का वो आपका हो जाएगा सी, 8 नंबर। 41 4/5 अनुपाते 12/10 समान अनुपाते 1/6 पाते 9/2, तो यक्स का मान क्या है? तो यक्स का मान जो आएगा वो आपका आ जाएगा 41 का हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, 18 होगा। इसके बाद 42 नंबर का क्वेश्चन देखिए। 42 नंबर पे आपको लिखा हुआ है कि 800 के 85% के 120% के 40% ज्ञात करें, तो आपका जो आंसर आएगा वो आपका हो जाएगा, यहाँ पर आपका आंसर आएगा तो हो जाएगा ए ऑप्शन, 288 होगा आंसर। इसके बाद आपका 43, एक यदि एक बस तो 3000 में खरीदी गई और उस पर 50% मरम्मत के रूप में खर्च किए गए और इसे अंकित मूल्य पर 20% लाभ पर बेचा जाना है चाहिए जो कि लागत मूल्य का 10% है, आवश्यक बिक्री मूल्य ज्ञात करें, तो यहाँ पर जो आपका आंसर होगा 43 का वो हो जाएगा ऑप्शन आपका बी, 452। इसके बाद 44 पे आ जाइए, लागू होने वाली कुल प्रतिशत छूट क्या है जब 20% और 10% की दो लगातार छूट लागू की जाती है, यानी उत्तरोत्तर डिस्काउंट आपका सक्सेसिव डिस्काउंट आपका है 20% 10% का, तो ये 28% का होगा। इसके बाद आ जाइए आप 45 नंबर के क्वेश्चन पे। 45 नंबर का क्वेश्चन देखिए, ब्याज दर ज्ञात करें जब 1000 के मूलधन पर 5 वर्ष की अवधि में साधारण ब्याज 440 रुपये प्राप्त होता है, तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो आपका होगा 8.8%, यानी कि सी ऑप्शन आपका राइट होगा। 46 नंबर का क्वेश्चन, जैसे उस काल अवधि को ज्ञात करें जिसमें 1000 मूलधन पर वार्षिक 10% ब्याज दर से 331 का चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त होगा, तो आंसर आपका होगा 3 वर्ष। इसके बाद 47, तीन साझेदार ए बी और सी 4, 5, 6 के अनुपात में लाभ कमाते हैं, यदि लाभ में सी का हिस्सा ए की तुलना में 200 रुपये अधिक हो तो उनके द्वारा प्राप्त कुल लाभ क्या होगा? तो 47 का आंसर हो जाएगा आपका, टोटल लाभ हो जाएगा 1500 रुपये, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन। इसके बाद 48, तीन साझेदार ए बी सी ने 2, 3, 4 के अनुपात में लाभ कमाया, एक नया साझेदार डी शामिल हुआ जिसने ए और सी प्रत्येक के शेयर में से आधा हिस्सा लिया, यदि लाभ में डी का हिस्सा अब 100 रुपये है तो कुल लाभ कितना है? अड़तालीस में आंसर हो जाएगा आपका 300, ठीक, डी ऑप्शन होगा। इसके बाद आ जाइए 49 नंबर का क्वेश्चन देखिए, खुदरा विक्रेता 10 रुपये की दर से 7 वस्तुएं, 11 रुपये की दर से 9 वस्तुएं, 15 रुपये की दर से 14 वस्तुएं खरीदी, प्रति वस्तु बिक्री मूल्य ज्ञात करें, यदि माना जाता है कि औसत लाभ मूल्य पर 20% लाभ होना है लागत मूल्य पर, तो आपका जो आंसर होगा इसमें 49 का ऑप्शन होगा आपका सी, ठीक, 15.24 रुपये, 15.24 रुपये।
अगला क्वेश्चन देखिए इसके बाद, ए और बी 12 दिन में कर सकते हैं, बी सी 16 दिन में कर सकता है, पूरा कर सकते हैं ए और बी, ए और सी 24 दिन में कर सकते हैं, वे तीनों मिलकर काम करते कितने दिन में पूरा हो जाएगा, तो आंसर जो आपका हो जाएगा 50 का हो जाएगा डी ऑप्शन। इसके बाद 51 जो एक आदमी 5 घंटे में एक यात्रा पूरा करता है, वह यात्रा के पहले आधे भाग में 21 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से और दूसरे आधे भाग में 24 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करता है, यात्रा की कुल दूरी क्या है। तो टोटल आपको डिस्टेंस बताना था, 51 का आपका हो जाएगा ए ऑप्शन, ठीक, 51 का हो जाएगा ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए, आसान क्वेश्चन आए थे, दो रेलगाड़ियों की गति का अनुपात 5:6 है, दूसरी रेलगाड़ी 5 घंटे में 450 किलोमीटर तय करती है, पहली रेलगाड़ी की गति क्या है। तो आंसर आपका होगा इसमें 52 में आंसर आपका हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी 75 किलोमीटर प्रति घंटा। एक आयताकार भूखंड की लंबाई इसकी चौड़ाई से 3 गुना है, भूखंड का क्षेत्रफल 768 मीटर स्क्वायर है, तो भूखंड का परिमाप बताना, परिमाप आपका हो जाएगा 128, यानी कि सी ऑप्शन। इसके बाद आ जाइए 53 के बाद 54 पे, 3 अंकों की एक संख्या ए बी सी जिसमें ए 7वां स्थान पर, बी 10वें स्थान पर और सी इकाई के स्थान पर, ए 7वें स्थान पर यानी कि सैकड़े के स्थान पर, बी 10वें स्थान यानी दहाई के स्थान पर और सी इकाई के स्थान पर आता है। इस संख्या को ए बी सी के रूप में पुनः लिखा जाता है तथा इसे 7, 11 और 13 के लघुत्तम सौ प्रतक से विभाजित किया, परिणाम क्या आएगा। चौवन में आपका आंसर हो जाएगा सी ए बी सी, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन ए बी सी। इसके बाद आ जाइए अगला क्वेश्चन देखिए 55, 55 में दिया 5 अंकों की संख्या 2478 44 से विभाजित है, तो कौन सा अंक एक्स के स्थान पर प्रतिस्थापित किया जाता सकता है कि एक्स के स्थान पर क्या आएगा, ये आपका आंसर पूछ रहा है। तो आंसर आपका हो जाएगा 2, यानी कि 2 आएगा। इसके बाद आ जाइए 56 नंबर, 256 के वर्गमूल और 16 के वर्गमूल के गुणनफल को ज्ञात करें, परिणाम के वर्गमूल को ज्ञात करें, तो इसमें जो आंसर होगा हो जाएगा सी 8 हो जाएगा आपका आंसर। अगला देखिए इसके बाद 57 नंबर का क्वेश्चन, 2 कुर्सी और 1 मेज 170 में खरीदी जा सकती है, 5 कुर्सी और 4 मेज 530 में खरीदी जा सकती है, इस कुर्सी का लागत मूल्य, तो एक कुर्सी का जो लागत मूल्य होगा हो जाएगा ₹50, यानी कि बी ऑप्शन, ठीक, 57 का हो जाएगा बी ऑप्शन। तो 57 नंबर तक का क्वेश्चन हमने करा दिया है, अभी हम जस्ट और भी क्वेश्चन आपको देंगे। अभी मैथ का क्वेश्चन करा है, इसमें सारे के सारे क्वेश्चन हमने 100% आपको सही कराए हैं। और अगर आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं या फर्स्ट बार देख रहे हैं तो आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। धन्यवाद।